हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका हमेशा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम जीओसी का एग्जांपल नंबर थर्ड करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कहा जा रहा है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो कराया जाए, लेकिन फिर भी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमें क्या बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, राइट। हमें क्या बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। एंड प्रिडिक्ट द शेप, हमें क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना और हमें शेप भी बताना है फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ हमारे पास तीन मॉलिक्यूल दिए हैं, इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बताना है और शेप भी बताना है। तो अभी हम पिछले वाले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, हमारे पास एक बात बता चुके हैं। एक पहला क्या है, जब कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, चार सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहता है, sp3। और इसका हमारे पास शेप कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109.28 सेकंड। चलो दूसरा, अगर हमारे पास तीन सिग्मा बनाए, तो तीन सिग्मा बनाए तो कितना रहेगा, sp2। और इसका जो रहेगा वो शेप कैसा रहेगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है जी। और इसका जो एंगल रहता है कितना रहता है, 120 डिग्री। तीसरा, अगर हमारे पास दो सिग्मा बनाए, उस टाइप पे इसका जो शेप रहेगा कितना रहेगा, sp, कितना रहेगा, sp। और इसका जो शेप रहेगा कैसा रहेगा, लीनियर। और लीनियर का जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होने वाला है। तो आइए, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चंस का जो पढ़े थे उसका हमने ले लिया है। अब आइए, अब इसको हमारे पास काम करते हैं। चलिए छोड़िए, ऐसे ही रहने देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है H2C डबल बॉन्ड O। तो बता, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहां पे हमारे पास H और इसका हो गया H। लिखा जा सकता है क्या, हाँ जी लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर सिग्मा गिनी है, तो हमारे पास ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया सिग्मा। इस वाले के पास टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1, 2 और 3। तो हमारे पास इसमें 3 सिग्मा हो गया, और 3 सिग्मा होगा तो हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा कितने हैं, तो हमारे पास इधर 3 सिग्मा है। और जैसे ही 3 सिग्मा मिला तो हमें कह सकते हैं कैसा है, sp2, और ये होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लैनर, ठीक है जी। कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा से कितना आया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और शेप कैसा आ गया, ट्राइगोनल प्लैनर हो गया, राइट। हमारे पास इसका शेप ऐसा हो गया, ठीक है जी। अब आइए अगले वाले पार्ट पर, अगला वाला पार्ट हमारे पास देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, CH3F, कितने कार्बन, 1, और हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, और 1 क्या है, 1 फ्लोरीन है। तो वही वाले बात, अब क्या गिनना है, सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। इस वाले पे कितने हैं, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा समय पता है कितना होता है, sp3, और sp3 से कितना होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, और शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होने वाला है, टेट्राहेड्रल होने वाला है। आइए अगला पार्ट, ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला वाला क्या है हमारे पास, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी, HC ट्रिपल बॉन्ड N होने वाला है। बताइए कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, उसमें साथ 3 हमारे पास बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ और 1 हाइड्रोजन। सिग्मा निकालिए, 1 और 1। इस कार्बन के पास सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा समय पता कितना होता है, sp, और sp से जो शेप होगा वो कैसा रहेगा, लीनियर, ठीक है जी। इसका शेप कैसे रहने वाला है, लीनियर रहने वाला है। तो ये बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा खुद कर सकते हो। बाकी जो हार्ड क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान दिया करो, ये तो इसलिए बना देते हैं कि मान लो कोई जो नया बच्चा है उसको देख रहा है तो सारी चीजें देख के समझ जाए। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है जी, इसीलिए ऐसा फ्लो फ्लो में चल रहा है, ठीक है जी। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।